नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स। तो बेटा आप सभी ने पार्ट 10 समस्या ऐसे सुलझी पढ़ा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। बेटा कल मैंने आपको इस चैप्टर की रीडिंग करने के लिए कहा था, जब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से 2 से 3 बार रीड नहीं करोगे आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, हमें बहुत कुछ इस चैप्टर से सीखने को मिला है। तो बेटा हमारा कल चैप्टर कम्प्लीट हो चुका था, आज मैं इसके आपको प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ। ठीक है, प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ। प्रश्न पहला है, आशीष के पैर में चोट कैसे लग गई। है ना, लग गई थी आशीष के पैर में चोट, कैसे लग गई थी हमने पढ़ा है। यस, आंसर है इसका, पार्क में पेय पदार्थ के एक टूटे डिब्बे पर गिरने से आशीष के पैर में चोट लग गई। है ना, जब आशीष पार्क में गया था वहां पर एक डिब्बा टूटा हुआ था पेय पदार्थ का, है ना, उसके ऊपर आशीष गिर गया जिससे कि उसके पैर में चोट लग गई थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तितलियों ने तालाब के पास आना क्यों बंद कर दिया। है ना, पहले तो बहुत पार्क में तितलियां मंडराती थी तालाब के पास, लेकिन जब बाद में आशीष पार्क में गया तो तितलियों ने वहां आना बंद कर दिया था, उसे तितलियां नहीं दिखाई दी थी, क्यों देखते हैं इसका आंसर क्या है। तितलियों ने तालाब के पास आना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि बच्चों ने सारे फूल तोड़ दिए थे। है ना, तितलियां तो फूलों के पास से आती थी, फूलों पर तितलियां मंडराती है, है ना, फूल तितलियों को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन जब बच्चों ने ही सारे फूल तोड़ डाले तो तितलियां कैसे आएंगी, इसलिए तितलियों ने पार्क में आना बंद कर दिया क्योंकि बच्चों ने सारे फूल तोड़ दिए थे, इसलिए वो तालाब के पास नहीं आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न 3, पार्क में घूमने आने वाले लोग अब क्या नहीं करते हैं। हमने पढ़ा है चैप्टर में, इसका आंसर है, पार्क में घूमने आने वाले लोग तख्तियों पर लिखी बातों को पढ़ते हैं और कूड़ा करकट नहीं फैलाते हैं। है ना, कितनी अच्छी बात है कि आशीष की चाची ने आशीष को तख्तियां बना कर दी और उन तख्तियों पर आशीष ने इतनी मोटिवेशनल बातें लिखी पार्क की स्वच्छता के लिए कि जब लोग पार्क में आते तो उन तख्तियों को पढ़ते और वहां पर कूड़ा करकट नहीं फैलाते। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था, लोग पार्क में आते, पिकनिक मनाते, खाते पीते और सारा कचरा वहीं पर फैलाकर चले जाते थे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं। इस पार्ट से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हमें हमारे आसपास का जो वातावरण है उसे साफ स्वच्छ रखना चाहिए। है ना, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बेटा आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 84 निकालेंगे। ठीक है, पेज नंबर 84, उस पे क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो इसका क वाला है, आशीष ने किसे पत्र लिखा, किसे लिखा था पता है हम सभी को, आरती मामी को या आरती दीदी को या आरती चाची को, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का नाम आरती दिया हुआ है लेकिन वो कौन थी, आरती चाची। आप यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे, आरती चाची को पत्र लिखा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क, आशीष के पिताजी का तबादला कहाँ हो गया था। ठीक है, पढ़ा है हमने चैप्टर में, नंबर 1 है दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बताइए कहाँ हुआ था। यस, मुंबई, मुंबई पर सही का निशान लगाएंगे। तो बेटा ये वाला है 2 क्वेश्चंस और ये 3 क्वेश्चंस आपको सुंदर लेख के द्वारा अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।